एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश का चैप्टर द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज यू नो सैम्पल पेपर आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आ गई है तो ये वो क्वेश्चन है दस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी बीच में उनके कुछ ऑब्जेक्ट हैं यानी वन मार्कर हैं अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये फुल चैप्टर प्रिपेयर है इन दस क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना एग्जाम में जरूर आएंगे इसके अलावा कुछ नहीं भी करोगे तो दैट वुड बी इनफ ठीक है तो मैंने बहुत प्रिसाइस कंटेंट निकाला है सारी जितनी भी आपकी बीबी PC हो गई जितनी सैंपलर्स आती हैं हर एक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लिखे हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज हु फ्रांस नॉट टू टू हरी स्कूल किसने कहा था जल्दी मत करो तो वीनो ब्लैक स्मिथ वॉचर ने कहा था वन मार्क सेकेंड इज एम हेमल गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन एम एम एल किस पे टेस्ट लेने वाले थे तो वी ऑल नो पार्टिसिपल्स पे थर्ड इज वॉट लास्ट लेसन सिंबलाइज ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जरूरी क्या सिंबलाइज करें तो इट शूज लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ लैंग्वेज मतलब लॉस ऑफ फ्रीडम ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट हैमल ब्लेम पेरेंट्स को किस बात के लिए ब्लेम करा तो उन्होंने ब्लेम करा था डेट जो चिल्ड्रेन है वो उनको फार्म पे काम करने के लिए जाने दे रहे चिल्ड्रेन टू तो, 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 अलाउ चिल्ड्रन तो टू वर्क ऑन फार्म या फिर टू तो फोर्स चिल्ड्रन टू तो वर्क ऑन तो फार्म वॉट डेड एम हेमल गिव टू ऑल क्या दिया था उन्होंने न्यू नोटबुक्स दी थी जिनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग में आलसेस लिखा हुआ था ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने थोड़े से जो हमारे ज्यादा डिटेल आंसर होते हैं वी हैव ऑल गॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्फ सेड एम हेमल एक्सप्लेन करना है इसको कि उन्होंने कहा था वी हैव गोट ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्फ हमने ये कब पढ़ा था ये तब कहा था एम हेमल ने जब हमारा छोटा बच्चा फ्रांस खड़ा हुआ था और वो पार्टिसिपल्स का एक भी शब्द तरीके से नहीं बता पाया था एंड देन ही फेल बैक तो एम हमल कहते हैं तुम्हें बुरा लगने की जरूरत नहीं है गलती तुम्हारी नहीं है गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है कि वो तुम्हें फार्म पर घूमने जाने देते हैं गलती तुम्हारी है कि तुम नहीं पढ़ी गलती मेरी भी है कि मैं भी कभी कभी पढ़ाई नहीं करवाता था फिशिंग करने जाता था या तो पोस्टपोन करा और अब हमारे वो छिन गई है तो यहाँ आंसर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता है ना होता है वो उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर रहे मैंने सारे के सारे टेन के टेन आंसर्स तो वीडियो खोलो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इन सब को रिविजन कर लेना आप लोग लिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट डिड एम हैमल टेल द क्लास माउंटिंग फ्रॉम चेयर या फिर इसका ये भी आ सकता है वॉट वॉज द स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन या फिर वॉट डिड एम हैमल सेट टू द क्लास या फिर व्हाट वॉज द शॉकिंग थिंग हैप इन द क्लास तो क्या था कि एम हेमल चेयर से खड़े हुए और उन्होंने बताया कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी अब से क्या पढ़ाई जाएगी जर्मनी पढ़ाई जाएगी कल से नया टीचर आएगा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है और ये दो तीन फॉर्म में इसका क्वेश्चन बन सकता है तो आंसर तो वही है कि उन्होंने खड़े होकर डिक्लेयर करा कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट आया वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड तो वी ऑल नो हर एक जो बैड न्यूज आती थी वो कहाँ से आती थी बुलेटिन बोर्ड से आती थी और पता चल गया था कि जो हमारा एलसेजर है वो फ्रांस जो है वो वारह हार गया है और अब से और लोरेन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ये ऑर्डर आ गया था एंड इट वॉज डिस्प्लेड ऑन द बुलेट इन बोट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से आए तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन यानी कि पिदन्स को भी अब जर्मन बोलने को कहेंगे तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स और एक्सप्लेन करो कि जो फ्रांस है वो क्या चाह रहा था डिस्क्रिप्शन तो बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज टू सी एम हैमल ऑन दैट पर्टिकुलर डे तो वी ऑल नो दैट जो एम हैमिल थे उन्होंने अपना ग्रीन कोट फिल्ड शर्ट और अच्छी अच्छी हाट पहनी हुई थी बिकॉज वो लास्ट लेसन जो था उनका लास्ट लेसन था

आपको याद रखनी है जो ओल्ड था, उसने थ्री पॉइंटेड हैर्लिन क्या ऑर्डर आया था टू टी जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्स एंड एल्स के हर एक स्कूल के अंदर जर्मनी पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी की टू ऑल प्रेजेंट किसने कहा था ये हमारे एम हैमल ने कहा था और की टू ऑल प्रेजेंट क्या है हमारी जो लैंग्वेज होती है दैट इज द की टू ऑल प्रेजेंट अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आप कोई भी जेल तोड़ सकते हो जेल तोड़ने का मतलब ये है यू विल बी फ्री आप फ्रीडम से अपनी लाइफ को जी सकते हो नेट पे आते हैं हाउ डिज फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज कैसे उसकी फीलिंग चेंज हो गई थी लास्ट लेसन के आते थे हमने देखा वो कितना डेडिकेटेड हो रहा था अपनी स्टडी की तरफ और उसे भी बुरा लग रहा था कि उसने क्यों नहीं पढ़ाई करी ही लुक टूवर्ड्स द फोर्टी ईयर सर्विस ऑफिस थी जो उसे देखना कि पहले उसे अपने टीचर अच्छे नहीं लगते थे बट आज उसको उनका पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा था एंड ही वॉन्टेड दैट वो कंटिन्यू कर पाया अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के साथ तो आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नाइन वॉट वर्ड्स डिट हेमिल रोड ऑन ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द क्लास वी ऑल नो से लिखा था उन्होंने और जस्टर बनाया था की क्लासेस मिस हो गई है तो उसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर मिल जाएगा वॉट वॉज द सीन ऑफ द क्लास रूम एन एम हैमल गेव हिज लास्ट लेसन ये एक अटल कंसनट्रेशन से जब हमने देखा था सारे के सारे क्लासरूम में लोग पढ़ रहे थे एक अगर वो आ रहा था बीटल भी आ रहा था तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था प्राइमर लेके पीछे बैक बेंचेस पे विजेस बैठे हुए थे जो छोटे बच्चे थे वो भी अच्छे से पढ़ रहे थे और सब लोग अटल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे थे तो उसी सीन को आपको एक्सप्लेन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विल गेट द आंसर तो यहाँ पे आपके होल चैप्टर में से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था सब कवर हो गया है बस अब कोई टेंशन नहीं लेनी है बस इनको कंप्लीट कर लेना इनके आंसर ढूंढने की भी टेंशन नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब गिवन है सब पेंड है तो जस्ट बेस्ट ऑफ लॉक ऑल माई स्टूडेंट्स आई वॉन्ट कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में जितना अच्छा दे सको उतना दो एंड uh, आपके स्कूल बंद है कोई बात नहीं जब ऑनलाइन क्लास है वट एवर इट इज़ तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश प्लेस गिवन है इंग्लिश के सारे चैप्टर पढ़ना ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस मिल जाएगी योर इंग्लिश सिलेबस वुड भी कम्प्लीटेड और अगर पॉलिटिकल इको हिस्ट्री जोग्राफी सोशियलॉजी साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स आपके पास है तो उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले गिवन है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड स्टडी और अगर तुम्हें डिटेल नोट्स चाहिए या फिर रिफरिंग टू द कॉन्टेक्स वगैरह अगर तुम्हें बहुत डिटेल में जाकर पढ़ना है तो मेरी इंस्टाग्राम आई का लिंक गिवन है वहाँ से जाकर आप हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स ले सकते हो हर एक सब्जेक्ट के नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के आई मीन जिस नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी ऐसे ही टेन क्वेश्चन हम करेंगे तो आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज गाई शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स इट्स माई हंबल रिक्वेस्ट सीरियसली आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू दैट इस वीडियो को हमने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर